चैनल गाइस, आई हूं अनुष्का और आज मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर आपके फेस पे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो रही है, स्किन पे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो रही है, पिंपल्स के, एक्ने की, आपके पिंपल्स के मार्क्स छूट गए हैं फेस पर, तो आपको क्या करना चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं पिंपल्स की प्रॉब्लम को लेकर कि हम हर कुछ ट्राई कर चुके हैं लेकिन वो हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, हमारी स्किन के लिए वो वर्क नहीं कर रहा है। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि मैंने अपनी इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करा। आज हम बात करने वाले हैं फुलर्स अर्थ के बारे में, जो कि एक नेचुरल क्लेंजर की तरह काम करता है। फुलर्स अर्थ यानी कि मुल्तानी मिट्टी काफ़ी ज़्यादा सालों से यूज़ किया जा रहा है। मुल्तानी मिट्टी का नाम हम सभी ने अपनी मम्मी, नानी, दादी से सुना ही होगा। मुल्तानी मिट्टी फेस के लिए सबसे बेस्ट नेचुरल क्लेंजर माना जाता है। ये आपके स्किन को अंदर से डिटेल में डीपली जाकर क्लीन करता है, आपके स्किन पोर्स को क्लोज करता है। अगर आपको स्किन पर ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको बताया, ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, यानी कि आपके ओपन पोर्स को मिनिमाइज करने का काम करता है, आपके स्किन के सेल्स को रीजेनरेट करने में हेल्प करता है, आपके स्किन को अंदर से क्लीन करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। तो मुल्तानी मिट्टी के इतने सारे यूजेस मैंने अभी आपको बताए हैं। इसके अलावा मुल्तानी मिट्टी में मैं ऐसी दो एक चीजें और ऐड करना पसंद करती हूँ, जिससे कि चेहरे पर होने वाले पिंपल्स, ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स, आई बैग्स, पफी आईज की अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, साथ ही रिंकल्स की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये उसे भी क्योर करेगा। साथ ही ये होम रेमेडी आज जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके एजिंग का जो प्रोसेस है, एजिंग के प्रोसेस को भी रिड्यूस कर देगा, यानी कि एक एंटी एजिंग मास्क की तरह भी आपके लिए काम करने वाला है। परमानेंटली अगर आप इसका रिजल्ट खुद पर देखना चाहते हैं, यंगर लुकिंग दिखना चाहते हैं, अपनी एज से कम दिखना चाहते हैं, एजिंग की प्रोसेस को थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहते हैं, तो आपको वीक में दो बार इसे करना ही है। वीक में दो बार आप इसे करें। अगर आपकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है तो आप वीक में से एक बार भी कर सकते हैं। वैसे इसे बनाने के लिए आज मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स का यूज करा है बिल्कुल ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई भी इनमें इम्प्योरिटीज नहीं है, बिल्कुल हमारे किचन में यूज में आने वाली सभी चीजों को आज मैंने इसमें ऐड करा है। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना और हर कोई इसे ट्राई कर सकता है, ऑयली स्किन वाले, कॉम्बिनेशनल स्किन वाले या फिर ड्राई स्किन वाले। इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ, कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ, साथ ही आपको बताऊंगी इसे खुद पर अप्लाई कर कि इसने मेरे लिए किस तरीके से काम करा। मेरा बिफोर एंड आफ्टर का शॉट भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि इसे लगाने से पहले मेरी स्किन किस तरीके से दिख रही थी और लगाने के बाद मुझे इसके क्या रिजल्ट्स खुद पर देखने को मिले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ की है मुल्तानी मिट्टी यानी कि फुलर्स अर्थ का। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी का पाउडर लिया है। मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल को एब्सॉर्ब कर लेती है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको मुल्तानी मिट्टी से बने हुए इस फेस पैक का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। एंड मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ विटामिन ई की कैप्सूल। अब जो विटामिन ई होता है वो आपकी स्किन के लिए अमेजिंग वर्क करता है। अगर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो भी आप रात को सोने से पहले आंखों के नीचे जहां पर आपको डार्क सर्कल्स हैं वहां पर आप विटामिन ई की एक कैप्सूल लगा सकते हैं। एंड इसे रात भर के लिए ऐसे ही रहने दीजिए, आपके डार्क सर्कल्स बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे। तो अब मैंने इसमें ऐड किया है मुल्तानी मिट्टी, विटामिन ई की कैप्सूल, मैंने यहाँ पर ऐड किया है कर्ड और मैंने लिया है यहाँ पे लेमन। लेमन आपकी स्किन पर हो रहे पिगमेंटेशन यानी कि जो दाग धब्बे, स्पॉट्स की प्रॉब्लम है उसे भी बिल्कुल ही क्योर कर देगा। अब आप इस रेमेडी को यूज कर सकते हैं एज ए स्पॉट ट्रीटमेंट या फिर आप इसे अपने पूरे फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड लास्ट में मैंने जिसमें कर्ड ऐड करा है, कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड जो कि आपकी स्किन को निखारने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, आपके चेहरे को गोरा बनाता है, आपकी स्किन के टोन को 1-2 शेड लाइट करने में हेल्प करता है। इसे मैं अपने पूरे फेस पर लगा रही हूँ, आप इसे अपने पिंपल्स पर भी, जहाँ पर आपको फेस पर दाग है, सनबर्न की प्रॉब्लम है, वहाँ भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। सो मैंने इसे अपने पूरे फोरहेड पर, अपने पूरे फेस पर अप्लाई करा है। एंड मैं 15 से 20 मिनट के लिए इसे ऐसे ही ड्राई होने दूंगी नॉर्मली। एंड जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा, थोड़ा सा इसे अप्लाई करने के बाद आप इसे हाथों से ऐसे मसाज भी कर सकते हैं एंड इसे ड्राई होने दें। ड्राई करने के बाद आप अपने फेस को नॉर्मल टैप वाटर से वॉश कर सकते हैं। देख सकते हैं आप मेरा फेस कितना ज़्यादा क्लीन लग रहा है, बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो गई है मेरी स्किन। एंड इसके 2 से 3 बार के इस्तेमाल से मेरे चेहरे पर जितने भी एक्ने के पुराने स्कार्स हैं वो भी बिल्कुल दूर हो जाएंगे। सो डू ट्राई इट।
सो फ्रेंड्स, देखा ना आपने कितना ज्यादा इजी है इस होम रेमेडी को बनाना। मेरी बात मत मानिए, इसे खुद ट्राई करिए और फिर इसका रिजल्ट देखिए। वाकई में ये मेरी स्किन के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बिल्कुल भी एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ओपन पोर्स की जो प्रॉब्लम है, ओपन पोर्स भी बिल्कुल ही मिनिमाइज हो गए हैं, रिड्यूस हो गए हैं। तो इस होम रेमेडी को आज ही ट्राई करिए और इसी तरीके से आप सभी मुझे अपना लव एंड सपोर्ट देते रहिए। बाय बाय।